मेरे को बचपन से जापान बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। बचपन में मेरे को कार्टून देखना बहुत ज्यादा पसंद था एंड उस टाइम पे मैं डोरेमोन एंड शिनचैन को 24/7 देखता रहता था। एंड उनको देखते देखते ना मेरे को जापान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कंट्री लगती थी। वहाँ का कल्चर, वहाँ की रोड, वहाँ के लोग एंड वहाँ की वेंडिंग मशीन एंड स्पेशली जब मैंने स्लीपिंग डॉग्स खेला था उसके अंदर वो गेम वाली टॉयलेट। या सो वेल, कुछ वीक्स पहले मैं एक्चुअली मैं जापान गया एंड हियर आई वेलकम यू टू द जापान ब्लॉग बाय रचित्रो। या ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, प्लीज अपने हेडफोन्स ले लो, खाने पीने की कुछ चीजें ले लो, आई डोंट केयर, किचन में जाओ, वहां से खाने पीने की चीजें लेके आओ, बिकॉज ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली है एंड स्टार्ट नाउ। मेरा नाम है रचित एंड आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के दिन है 15 जनवरी 2023 एंड बॉयज एंड गर्ल्स आज के दिन मैं जा रहा हूँ जापान। ओके, तो अभी तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि आखिर मैंने आज के दिन कपड़े क्या पहने हैं, या मैं ये कुछ इस तरीके के कपड़े पहने हूँ। तो या ये मेरा एयरपोर्ट का आउटफिट है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनू, बट या मैंने ये पहने। हाय मनु। हेलो। हेलो मम्मी। मम्मी कैसा लग रहा है, मैं जापान जा रहा हूँ? अच्छा भी लग रहा है, कुछ थोड़ा टेंशन भी है। अच्छा, और कैसा लग रहा है, मैं खुद के पैसों से जा रहा हूँ ये? बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओके, तो मम्मी गांव से आई है मेरे को छोड़ने के लिए, तो मम्मी कल आ गई थी, तो अभी वो मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाएंगी। ये रहा मेरा लगेज, ये रहा मेरी सौतेली बहन। ओके, लेट्स गो, अभी हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे। आई एम वेरी एक्साइटेड इस ट्रिप के लिए एंड मम्मी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मम्मी एक्चुअली डर रही है भाई, मम्मी कह रही है लाइक ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है कि मैं अकेले जा रहा हूँ बाहर। मम्मी थोड़ा सा डर, मतलब ऐसे है, मम्मी को डर लग रहा है, ये मम्मी रोने वाली है क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाय, अब मैं नहीं आ रहा इंडिया वापस, ठीक है मम्मी, अब नहीं आ रहा मैं इंडिया वापस, बाय। आप, मैं आपके बिना रह लूंगा। तुम्हें पता है कितना रह लिया? Guys, I'm going to Japan! तो फ्रेक भाई पुलिस वाले ने देख लिया। So, मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ अभी। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले अपनी मम्मी एंड अपने दोस्तों को बाय बाय बोला। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू लाइक जो मेरा फ्लाइट है वहाँ पे, क्योंकि मेरे को अपना ये लगेज जो है इसको ड्रॉप करना है। एंड मैं अभी लाइक 6 बजे आ गया हूँ एयरपोर्ट पे, जबकि जो मेरा फ्लाइट है वो है रात के 10 बजे। हालांकि मैं इतना जल्दी नहीं आया हूँ, बट स्टिल लाइक मैं सही टाइम पे आ गया हूँ, क्योंकि लगेज वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे को बिल्कुल भी अपनी फ्लाइट मिस नहीं करनी थी, मैं भाई ये वाली फ्लाइट को मिस नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो फाइनली 2 घंटे के बाद फाइनली मैंने सारी प्रोसेस कर ली है। तो देखो, सबसे पहले मैं गया था मनी एक्सचेंज कराने, जो कि हो नहीं पाई। उसके बाद मैं गया था अपना बैगेज ड्रॉप करने एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड आफ्टर दैट मैं गया इमिग्रेशन सेंटर पे एंड इमिग्रेशन पे तो और भी ज़्यादा टाइम लग गया भाई, लाइक लिटरली कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई आजकल एयरपोर्ट्स पे। बट फाइनली अभी मैं अपने गेट नंबर पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा 10:30 बजे का फ्लाइट है। नॉट गोना लाई, अगर मैं लिटरली जल्दी नहीं आता तो मेरा फ्लाइट छूट जाता, क्योंकि फ्लाइट बहुत जल्दी है मेरा, अभी 1 घंटे में ही है। मेरे को लगा था मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, बट मैं 1 घंटा और लेट हो जाता तो आज का मेरा ये फ्लाइट छूट जाता। ओके, सो बोर्डिंग हो गई है कंप्लीट, नाउ आई एम गोइंग फ्लाइट के अंदर। अभी मैं तुम लोग को मिलूंगा बैंकॉक में। बैंकॉक से मेरा एक दूसरा फ्लाइट है, लेओवर है वहां पर एक, एंड वहां से मैं सीधा पहुंचूंगा नरीटा टोक्यो। सी यू। सो बॉयज, हम लोग आ चुके हैं जापान में। तो मैंने जस्ट अभी एक नई सिम खरीदी है एंड बहुत ज़्यादा प्रोसेस था आने के बाद, उन्होंने कोविड टेस्ट चेक किया, ठीक है, इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो अभी हम लोग नरीटा एयरपोर्ट पे हैं एंड नीचे है सबवे यानी मेट्रो, तो मैं मेट्रो से नीचे जाऊँगा
एंड जहाँ सर मैं जो मेरा घर है जहाँ पर मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे पहुँचूंगा। बाय द वे यहाँ पर एक सिम काउंटर है, यहाँ से तुम सिम ले सकते हो एंड उधर साइड एक एटीएम है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने एटीएम से पैसे निकाले एंड देन मैंने एक सिम ली, बिकॉज विदाउट इंटरनेट तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे को नरीडा एयरपोर्ट से जाना है मेरे घर पर एंड मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। बीच में मैंने इतना ब्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज लिटली मैं बहुत गंदा वाला टायर हो गया था, ठीक है। मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत टाइम से ट्रेवल कर रहा हूँ। तो अभी लेट्स गो होम, थोड़ा सा आराम करते हैं, बट बीच बीच में तुम्हें दिखाता रहूंगा कि आखिर जापान का मेट्रो कैसे है। थैंक यू। एंड इफ तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर मैंने मास्क क्यों लगा के रखा है, तो यहाँ पे मास्क कंपलसरी है, तो क्योंकि थोड़ा कोविड के केसेस हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मास्क को कंपलसरी बोला गया है, तो दैट्स द रीजन मैंने मास्क लगा रखा है। आई होप सही से ब्लॉग हो रहा हूँ, मैं पता नहीं कैसे ब्लॉग कर रहा हूँ, मुझे घंटा नहीं पता है इस चीज का। लेट्स सी कि दिल्ली एंड जापान की मेट्रो में कितना अंतर है। सो मैंने जो सिम ली है वो मेरे को करीब 8,000 yen की पड़ी, विच इज काइंड ऑफ लाइक 4,000 INR शायद, एंड उसमें मेरे को अनलिमिटेड डेटा मिला है, बट मैं एक दिन में 3 GB डेटा ही यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने 2 दिन में 6 GB से ज्यादा यूज कर लिया ना, तो फिर मेरा डेटा बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। बाय द वे ये रहा इनका मेट्रो, यहाँ पर बहुत अच्छा सजा रखे हैं, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। एंड उधर एक 7-Eleven है। मेरे को बहुत भूख लगी है तो मैं शायद से 7-Eleven से कुछ खरीदूंगा एंड देन जाऊंगा मेट्रो में। एंड ऑल्सो मेरे को एक कार्ड बनाना है जो कि काइंड ऑफ एक मेट्रो कार्ड होता है, बट तुम हर जगह पे उसको यूज कर सकते हो, लाइक ऐसे ग्रोसरी शॉप में तुम उसको यूज कर सकते हो। तो यस, वो और लेना है मेरे को। लेट्स गो, यहाँ से कुछ खरीदते हैं। तो आई विल बाय समथिंग टू ड्रिंक एंड कुछ खाने के लिए लूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से। सो नाउ लेट्स गो, मेट्रो में चलते हैं। मैंने लोकेशन देख ली है, 1 घंटा दूर है मेरा घर जहाँ पर मैं रुकूंगा, तो मैं ज्यादा लेट नहीं होना चाहता हूँ। लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से मेट्रो स्टेशन पे एंड फिर देखते हैं कि हकीकत में टोक्यो कैसा है। अभी तो मैं एक्चुअली एयरपोर्ट पे ही हूँ, मैंने बाहर निकल के देखा भी नहीं है कि टोक्यो है कैसा। तो लेट्स गो, लेट्स फ्रिकिंग गो। आई एम सो फ्रिकिंग एक्साइटेड भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो फाइनली सारी ट्रेन्स लेने के बाद फाइनली अब मैं आज रोड पे, तब से मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेशन वगैरह पे घूम रहा था एंड अभी रात के 8 बज रहे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। एंड ये रहा कुछ टोक्यो। एक चीज़ मेरे को यहाँ के टोक्यो की बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो कि है इनकी रोड्स। तो लाइक बहुत प्यारी प्यारी रोड्स बना रखी हैं इन लोगों ने। तो एक और कुछ एक स्पेशल चीज़ हुई थी, लाइक 2-3 चीज़ें स्पेशल हुई जब मैं अभी मेट्रो में घूम रहा था, लाइक वो ट्रेन में घूम रहा था। तो पहली बात तो यहाँ पे बहुत तरीके की ट्रेन है, एक ट्रेन नहीं है यहाँ पे, लाइक जो मेट्रो है इनकी लाइक वो बहुत तरीके की है, ठीक है। तो मैं जब ट्रेन में घूम रहा था ना, तो मैंने एक बूढ़े अंकल को देखा था, ठीक है, जो कि मांगा पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड अब तुम सोचोगे कि भाई ये इतना कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है, जापान है, जापान में लोग मांगा पढ़ते हैं, बट इमेजिन कि तुम्हारे दादाजी अटैक ऑन टाइटन को पढ़ रहे हो, तो कितना स्पेशल होगा, ठीक है। ओके, चलते चलते ना मेरे को ये घर दिखा। देखो तुम लोग को बहुत अंधेरा हो रखा है, बट मैंने लाइट चालू करी है थोड़ी सी। तो ये बहुत पुराना घर है, लाइक वो जो हम कार्टून देखते थे ना उस स्टाइल में, बट इट लुक्स सो फ्रिकिंग प्रिटी। एंड ये है कुछ रात का सीन इन जापान, नो डाउट भाई बहुत ज़्यादा क्लीन है ये पूरा एरिया। ओके, सो फाइनली मैंने अपना घर ढूंढ लिया है, ये घर है, बहुत रात हो रही है। वेट, मैं तुम लोग को कोशिश करता हूँ सब कुछ दिखाने का। तो या ये वाला घर है, यहाँ से मेरे को की निकालनी है। अभी मेरे को एक भैया ने हेल्प किया घर ढूंढने में, काफ़ी क्यूट सा घर लग रहा है, इस घर में मैं रहने वाला हूँ अभी। सो या मैं यहाँ से अभी की निकालूंगा, कुछ इसको खोलकर निकाली जाएगी, तो मैं की निकाल लेता हूँ, अंदर जाता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। लाइक तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ ना कतर रहे हैं, इतनी ठंड हो रही है अभी। ओके, तो फाइनली मैंने ये दरवाजा खोल लिया है, बड़ी मुश्किल से खोला ये। सो ये है वो घर जिसमें मैं रुकूंगा। तो लाइक यहाँ से एंट्रेंस होता है, एक इस घर की बहुत अच्छी बात है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे जाऊंगा या ऊपर से भी नीचे आया ना, तो ऊपर की लाइट ना अपने आप बंद होगी एंड अभी जब मैं ऊपर आऊंगा तो वो लाइट अपने आप चालू हो जाएंगे, विच इज गुड। तो यहाँ से एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस के पास ये एक वॉशरूम है, यहाँ पे अगर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे तो लाइट चालू हो जाएगी। तो 2 वॉशरूम है यहाँ पर। सो एक ये एरिया है जो कि बिल्कुल वॉशरूम के पास में है, विच इज गुड, अच्छा है ये, ठीक है।
एंड देन सबसे लास्ट में है मेरा रूम, ठीक है। तो ये है मेरा रूम जिसमें मैं रहूंगा, मैंने अभी लाइट चालू कर रखी है, काफी कम्फी सा काफी अच्छा रूम है, ठीक है। बट अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ऊपर का एरिया क्या है। तो मैंने ना इस पूरे घर को एज अ एयरबीएनबी बुक किया था, इट मींस लाइक मेरा कमरा भी है, ठीक है, एंड मेरे पास किचन वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम लोगों को ऊपर का दिखाता हूँ एक बार। ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ की लाइट ना बंद होगी, जबकि थोड़ी देर पहले ना जल रही थी। ये देखो अपने आप चालू हो गई, जैसे ही मैं यहाँ पर आया ना अपने आप ये लाइट चालू हो गई। सो ऊपर भी एक वॉशरूम है, एंड देन ये है एक काइंड ऑफ लिविंग रूम, ये किचन है जिसमें मैं खाना बना सकता हूँ, सारी चीजें रखी हैं यहाँ पे। आई डोंट नो इसको लिविंग रूम बोलते क्या बोलते हैं, बट ये काफी ज्यादा सुंदर है, ये मेरे को एरिया बहुत ज्यादा सुंदर लगा है। तो जिसका ये घर है पूरा वो एक लेडी है, एंड वो ना इस पूरे घर को उन्होंने मेरे को 10 दिन के लिए दिया है, तो मैं पूरे 10 दिन यहाँ पे रह सकता हूँ। एंड वो आई थिंक कोई दूसरी जगह पे गई है घूमने के लिए तब तक। तो यार 10 दिन तक ये घर मेरा है, मैं फुल मजे कर सकता हूँ यहाँ पर। एक चीज अपन की मेरे को अच्छी लगी कि मैं जैसे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा था ना, तो मैं किसी को रोक लेता था, एंड वो लिटरली रुक के ना मेरे को ट्रांसलेट करके बताते थे कि यहाँ पे जाना है, मेरे को यहाँ पे जाना है, तो विच इज गुड। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा रस है भाई, हर कोई अपने इधर काम में कहीं इधर काम में ऐसा ही जाता रहता है। बट या अभी मैं बहुत गंदा वाला थक गया हूँ, अभी मैं जाऊंगा थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होऊंगा, एंड कल से डे एक्चुअली मैं सही से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी तो हम फाइनली टोक्यो आए हैं, अभी तो असली एडवेंचर स्टार्ट भी नहीं हुआ है माई बॉयज, लेट्स फ्रिकिंग गो। मैं अपना ड्रीम जी रहा हूँ भाई, मैं लिटरली अपना ड्रीम जी रहा हूँ। बचपन में भाई मैं सपने देखा करता था कि मैं टोक्यो आऊंगा या जापान आऊंगा, मैं खुद आया हूँ भाई टोक्यो विद माई ओन मनी, आई एम सो फ्रिकिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। हेलो, आप लोग का स्वागत है। तो ये है मेरा सबसे पहला दिन। सो एक्चुअली मैं कल ही जापान में आ गया था, बट मेरे को रात हो गई थी, एंड मेरे को अपने घर के पास आने में ही लाइक काफ़ी टाइम लग गया, यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। और ये मेरा पहला दिन है, ठीक है। सो अभी बहुत ठंड हो रही है टू बी ऑनेस्ट, तो मैं ये कुछ इस तरीके के एरिया में रुका हुआ हूँ। यहाँ पे ये घर काफ़ी सुंदर लग रहा है दिस वन। एंड एक चीज़ तुम लोग देखो ना, यहाँ की रोड क्या प्यारी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टाउन है, टोक्यो वदाई आई थिंक इसका नाम है, एंड टोक्यो के लाइक ये टोक्यो में ही पड़ता है, लाइक सिटी में ही है ये बिल्कुल। तो आज के दिन मैं एक तरीके से घूमूंगा, कल मैं तो इतना घूम ही नहीं पाया था, ठीक है। तो अभी रेड लाइट हो रखी है, तो वेट मैं एक्चुअली घूम रहा हूँ, आई थिंक इससे घूमना भी नहीं होता, मैं बीच में होके रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है, जो कि मेरी गलती है। तो यार अभी आई थिंक हम उधर जा सकते हैं, तो उधर हम सामने 7-Eleven पे जा रहे हैं, बिकॉज मेरे को खाना खाना है, मैंने कुछ खाना नहीं खाया है। तो अभी हम इसके अंदर जाते हैं, तो ये काइंड ऑफ इस तरीके का कन्वीनियंस स्टोर है जिसमें न्यूज़पेपर मिल जाते हैं तुम लोग को, ये यहाँ की ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स से ज़्यादा भाई मेरे को दवाई दिखती है, इनका पैकेजिंग बहुत अजीब सा है, लुक एट दिस। तो यार यहाँ पे मोस्टली तुम लोग को हर एक चीज़ मिल जाएगी, बट अभी हमें कुछ खाना खाना है, तो हम लोग कुछ खाने को देखेंगे। वैसे यहाँ पर भी है कुछ खाने को, तो खाने को देखेंगे। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना लाइक वेजिटेरियन खाना बहुत कम मिलता है, तो इफ़ तुम लोग वेजिटेरियन हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। लाइक मैं जैसे एग वगैरह खा लेता हूँ, कुछ चीज़ें खा लेता हूँ, तो मैं थोड़ा सा लाइक मैंने वेजिटेरियन फूड ढूंढा था, एंड मेरे को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। एंड तुम लोग देखोगे तो ये पूरा सेक्शन है इनके फूड का, एंड यहाँ पे मोस्टली हर एक चीज़ नॉन वेज है। तो यार ये थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। तो ये कुछ ड्रिंक्स रही, मैं इनमें से कोई तो ड्रिंक उठाऊंगा जो मैं पीने वाला हूँ, एंड कुछ खाना लूंगा, जैसे सैंडविच वगैरह कुछ तो ले लूंगा मैं। यहाँ पर तुम लोग को मांगास भी मिल जाएंगे 7-Eleven में, तो ये 7-Eleven हर जगह पे है, 200-300 मीटर की दूरी पे होते हैं ये, विच इज रियली गुड, लाइक अच्छा है, जल्दी से आके ना तुम यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। तो यार मैं जल्दी से कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए, एंड फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैंने क्या लिया। तो मैंने ये एक कॉफ़ी ली है पीने के लिए, एंड थोड़ा सा खाना लिया जो कि मैंने अभी बैग में रखा है, क्योंकि उधर कहीं खाने की जगह नहीं थी बैठने की। तो अभी मैं घर पे जाऊंगा, इस खाने को कंप्लीट करूंगा, एंड देन उसके बाद मैं जाऊंगा शिबुया सिटी, ठीक है। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं उससे मिलूंगा, एंड वो यहाँ पे पिछले 7 साल से रह रही है, तो वो मेरे को एक्चुअली सही से घुमाएगी कि टोक्यो में कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह है, तो उसको पता है, तो हम लोग उससे मिलेंगे। उसने मेरे को 12 बजे बुलाया है, एंड 11 बजने वाली है, एंड मेरे को जिस जगह पे जाना है वहां तक जाने जाने में भी 40 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, नॉर्मली। तो या आई थिंक मैं लेट होने वाला हूँ आज के दिन 100% पक्का। पहले तो इस कॉफी को खत्म करते हैं, जो मैंने इस बैग में खाना रखा है ना उसको खत्म करते हैं। ओके
सो जल्दी से खाना करते हैं कंप्लीट, बिकॉज खाना खाने के बाद अपने को निकलना भी है वरना बहुत लेट हो जाएंगे। ये कॉफी यहाँ पे एक तो ना बहुत तरीके की कॉफीज हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सी कॉफी है कौन सी क्या है। लाइक यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक बहुत ज्यादा है और सब पे लाइक जैपनीज में ही लिखा है, तो उसके चक्कर में ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था बार बार। बट ये एक कॉफी मिली थी मेरे को जो कि मेरे को पता नहीं लाइक महंगी ही थी, ये $200 की है आई गेस कुछ, तो मतलब 200 yen की शायद, तो ये मेरे को सही लगी थी एंड मैंने कहा चलो इसको ट्राई कर लेता हूँ। ये ऑफिशियल 7-Eleven की कॉफी है, वो सारी अलग अलग कंपनीज की थी, ये जो हम जिस स्टोर में गए थे ये उसी स्टोर की है। इट इज गुड भाई, अच्छी कॉफी है ये कॉफी एक्चुअली में काफी अच्छी है। तो ये मैंने खाना लिया था, तो इसमें राइस है एंड ऊपर से थोड़ा सा चिकन है। अब मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर वेज खाना मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है एंड जो तुम्हें मिलेगा वो बहुत कॉस्टली है, हद से ज्यादा कॉस्टली है। तो या ये एक तो दिक्कत है, अब जैसे मैं ट्यूजडे के दिन नॉन वेज नहीं खा सकता हूँ, तो ट्यूजडे के दिन मेरे को बहुत अच्छे से वेज खाना ढूंढना पड़ेगा। तो या इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, खाते हैं एंड में मिलता हूँ फिर तुम लोग को आगे। देखो पहले एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, चॉपस्टिक्स दिए इन्होंने और मेरे को चॉपस्टिक यूज करनी आती नहीं है। ओके लेट्स सी कैसे यूज करनी है चॉपस्टिक। भाई मेरे को चॉपस्टिक यूज करनी नहीं आती बिल्कुल भी। ओके इट इज गुड, इसके ऊपर जो सॉस डला है वो काफी अच्छा है। तो यार इसको मैं कंप्लीट करता हूँ फिर तुम लोग को आगे मिलता हूँ, बाय बाय। स्टूपिड रचित। ओके वी आर बैक एंड तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही हुआ, मैं खाना खा रहा था एंड जैसे ही मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए गया मेरे पे मेरी कॉफी फैल गई एंड फिर मेरे को साफ करनी पड़ी वो। एंड अभी मेरे को शिबुया जाना है, जिसको शिबुआ या शिबुया पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं देखो जापानीज टीचर रही हूँ तुम्हारा, जिस तरीके से मैं इसको प्रोनाउंस कर सकता हूँ वैसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करूंगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदे है। तो रात में मैं इसी जगह से आया था, रात में तुम लोग को मैंने सही से नहीं दिखा पाया था, बट यहाँ पर ना एक बहुत प्यारी सी नदी है, लाइक नदी नहीं रिवर है, एक क्रॉसिंग है ये छोटी सी, लाइक ऊपर से ब्रिज बना हुआ है ये। फॉर सम रीजन ना मेरे को डोरेमोन एंड नोबिता की वो नदी की याद दिला रहा है, जैसे उस कार्टून में भी एग्जैक्टली इसी तरीके की थी। सो या तो अभी मैं जा रहा हूँ इनके मेट्रो स्टेशन, वहां से मेरे को ट्रेन पकड़नी है मतलब मेट्रो पकड़नी है। सो मेरी ना कॉफी फैल गई थी एंड मैंने कॉफी पी नहीं बट मैंने खाना खा लिया एंड विदाउट एनी ड्रिंक मेरा मन नहीं खत्म होता है, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो ड्रिंक लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ तो कॉफी वगैरह लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे को आगे कहीं पे 7-Eleven या कोई वेंडिंग मशीन दिखेगी ना, तो वहां से वो सामने भी एक वेंडिंग मशीन है लाइक बिल्कुल उधर साइड, बट मेरे को मेट्रो स्टेशन जाना है तो मैं मेट्रो स्टेशन पे कोई वेंडिंग मशीन होगी ना उससे ले लूंगा, वहां से कोई कॉफी ले लूंगा या कुछ तो ले लूंगा, बिकॉज मेरे को चाहिए है, कॉफी की नीड है, आज के दिन मैं काफी ट्रेवल करने वाला हूँ तो मुझे कॉफी चाहिए है। एक चीज और पता है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे, मोस्टली लोग यहाँ से ना साइकिल से ट्रेवल करते हैं। दिल्ली में तो मेरे को याद नहीं है कि आखिर साइकिल कौन चलाते हैं आजकल, हर कोई या तो स्कूटी होगी या तो बाइक होगी या तो मेट्रो होगी या तो कैब होगी, साइकिल तो भूल जाओ भाई, दिल्ली मुंबई में तो बहुत कम साइकिल वाले लोग दिखते हैं। बट ये भी है, तुम ये रोड देखो, इस रोड पे किसको साइकिल चलाने का मन नहीं करेगा, इस रोड पे किसको भागने का मन नहीं करेगा। यहाँ पर भी एक वेंडिंग मशीन है, स्पेशल प्राइस, यहाँ पे कुछ तो स्पेशल प्राइस चल रहा है, मुझे कॉफी तो दिख नहीं रही है भाई यहाँ पर। ओके ये कॉफी है कुछ तो प्रीमियम या प्रीमियम, इतने का समझ में नहीं आता भाई कौन सी सही है। ये है क्वालिटी कॉफी, इसी को ले लेते हैं। रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो तुम लोग को जो मैंने बताया था ना, ये कार्ड को लेना है, इसको मेरे को कौन सी कॉफी लूँ मैं, ये भी है एक कॉफी 100 rupees की, सबका सेम ही प्राइस है, इसमें तो काफी भरी हुई है बट मेरे को समझ में नहीं आ रही कि आखिर कौन सी लेनी चाहिए। लेट्स गो विद ये जो भी है ना बॉस वाली, इसके साथ लेते हैं, मेरे को ये चाहिए है। मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन मेरे को ये कार्ड पे क्लिक करना है। ओके हो जा भाई, है हो क्यों नहीं रहा पता नहीं, अभी जो मैंने वेंडिंग मशीन जो अभी तुम लोगों को दिखाई ना उसमें फेस्मो कार्ड काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे उनका कुछ तो जैसे अपना UPI वगैरह होता ना वो काम कर रहा था, बट उनका UPI मेरे पास है नहीं। भाई मेरे को सामने से गोजो सेंसे आते हुए दिख रहे हैं, रुको एक बंदा है बिल्कुल गोजो का वो करे हुए है लाइक कॉस्टली। फैशन तो अच्छा है, लाइक जापान का जो फैशन है इज प्रीटी मच गुड, अच्छा है काफी अच्छा है। भाई ये बंदा एक्चुअली में बहुत सुंदर था, ये देखो, अरे यही तो रेलवे स्टेशन है, इसी पे तो जाना है मेरे को, अभी इसको लगेगा मैं इसका पीछा कर रहा हूँ भाई बंदर, लेकिन स्पाइल मार के गया मेरे को। तो मैं था अभी रेलवे स्टेशन पे, मैं पहुंच ही गया था ऑलमोस्ट एंड मैंने अपना फेस्मो कार्ड खो दिया है, उसमें 5,000 yen थे कुछ एंड नाउ आई मेट दिस गर्ल, शी इज हेल्पिंग मी
तो उन्होंने मेरे को बोला है कि वो मेरी हेल्प करेंगी वो कार्ड को फाइंड करने में. द थिंग इज दैट कि मैं एक नया कार्ड बाय कर सकता हूँ बट 5,000 येन काफ़ी होते हैं. लाइक या इफ़ मैं कार्ड को फाइंड कर लेता हूँ इट्स गुड, इफ़ नहीं कर पाता हूँ देन मेरे को लाइक ये समझ लो 3,000 रुपये मेरे बर्बाद चले गए, 3,000 रुपये मेरे पे कहीं पे गिर गए. मैं बहुत स्टूपिड हूँ, वो कार्ड पता नहीं मेरे कहाँ से गिर गया है. एंड मेरी फ्रेंड भी वेट कर रही है एट शिवया स्टेशन. तो इट्स ओके, लेट्स सी, लेट्स सी. थैंक यू सो मच, सी इज़ हेल्पिंग मी. भाई बहुत स्वीट है ये. मैंने बोला लाइक ट्रांसलेट करके दिया कि आई हैव लॉस्ट माई कार्ड एंड सी इज़ हेल्पिंग मी. लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है, आई विल अपडेट यू. यही है भाई टोक्यो एडवेंचर्स, आप अपना कार्ड खो देते हो एंड फिर आपको अपनी रिस्क दिखानी पड़ती है हेल्प मांगने के लिए. लेट्स सी हाउ इट गोज़, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है आगे. सो या मेरे को मेरा कार्ड मिल गया है बड़ी मुश्किल से, उसमें काफ़ी रुपए थे. तो वो लड़की ने मेरी मदद करी वो कार्ड को ढूंढने में. भाई बहुत प्यारी लड़की थी एक्चुअली, वो एक काउंटर पे गया था वहाँ पे लाइक उसने मेरी हेल्प करी. तो मेरा वही कार्ड जो बहुत पहले स्टेशन में छूट गया था ना कहीं पे, वो कार्ड उनके पास रखा था, किसी ने तो उनको दे दिया था. तो ऐसे मेरा कार्ड मिल गया, तो या थैंक गॉड. ओके तो हम लोग आ चुके हैं शिवया स्टेशन पे. आई थिंक तुम लोग ने एलिस इन वॉटरलैंड में देखा होगा, ये शिवया क्रॉसिंग बोलते हैं आई थिंक इस जगह को. एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी. तो यार लाइक मैं जस्ट अभी अभी निकला ना बाहर तो मैं बहुत ज़्यादा शौक था लाइक कि डैम यार ये जगह तो मेरे कितने सारे एनिमेस में, कितने सारे लाइक टीवी सीरियल्स में ये जगह देखी है. Look at the ads, यहाँ पे कितने ज़्यादा ads हैं. तो ये ना वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है टोक्यो का. जैसे कि न्यूयॉर्क में एक वो जगह नहीं होती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक ऐसी बिल्कुल जगह होती है जो कि न्यूयॉर्क की मेन अट्रैक्शन है एक तरीके की, तो वैसी ही जगह है ये. इसको इन रियल लाइफ में देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है. लाइक लिटरली ये एक महीने पहले मैं इसको टीवी सीरियल में देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, आज मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ा हूँ. ओके लेट्स गो, मैं अपनी फ्रेंड के पास जाता हूँ, वो मेरा वेट कर रही है, वो इधर ही कहीं पे है, मैं उसको मिलता हूँ. एंड फिर मैं खाता हूँ कि तुम लोग को और भी जगह दिखाऊंगा. आज हम लोग घूमेंगे, आज बहुत सारी चीजें ट्राई करेंगे. सो या मिलते हैं. सो गाइस हम लोग मिल चुके हैं शोबी से. हाय शोबी. हेलो आई एम शोबी. तो मैं लाइक आ गया हूँ यहाँ पे एंड शोबी ने मेरे को बोला है क्या कि रिमूव माय मास्क. ठीक है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मास्क में ना मेरा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था. लाइक ऊपर वो आ रहा था, लाइक फॉग आ रहा था एंड मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बहुत अजीब सा चश्मा दिख रहा था मेरा. तो ये शोबी का चैनल है, सी लिव्स इन जर्मनी फ्रॉम लास्ट 7 years आई गेस. यस 7 years. सो शोबी यहाँ पे रहती है, सी ऑल्सो ब्लॉग्स. लाइक इफ तुम लोग को जापान के ब्लॉग्स देखना पसंद है तो तुम लोग जा सकते हो शोबी के चैनल पे एंड वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो. तो या थैंक यू. सो अभी हम लोग घूमेंगे, लेट्स सी इस पूरी जगह को घूमेंगे. अभी तो इसकी क्रॉसिंग में इतने सारे लोग हैं. 3 साल पहले मैंने इमेजिन नहीं किया था लाइक आई विल बी हियर लाइक विद माय ओन मनी ऐसे. तो या आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ बॉयज, आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ. लेट्स फ्रिकिंग गो. सो वी आर गोइंग राइट नाउ, अभी हम लोग जा रहे हैं ये क्रॉसिंग में. एक काफी बड़ा रोड है एंड बट थोड़ा सा टाइम भी लगता है इसमें. लाइक अभी देखो खुल गया, मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है. ये एरिया बहुत प्रिटी है, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि लाइक ये क्यों इतना मूवीज वगैरह में यूज होता है. तो यार फाइनली मैंने फोटो ले लिया यहाँ पे एंड क्रॉस भी कर लिया हम लोगों ने. तो अभी हम लोग जाएंगे शोपी के साथ कहीं पे घूमने के लिए. शोपी भी फुल ब्लॉग बना रही है, द मल्टीवर्स ऑफ ब्लॉग्स. ओके तो अभी हम लोग आगे जाएंगे, घूमेंगे, खाना वगैरह खाएंगे. तो अभी हम लोग एक जगह पे आए हैं, इसका नाम है डाइसो एंड ये शोपी लेके आई है, सी साइड की, इट्स अ गुड प्लेस. तो हम लोग इसमें आए हैं. व्हाट दिस इट इज स्पाइसी और सम तो एक्सट्रीमली सार. सार मेरे को बहुत कम पसंद है बट ओके लेट्स ट्राई. रियली विल ट्राई. यू कैन ईट इट इज is you will die. No, I don't want to die. So it's literally says man omeboshi. It's like you have to be man to try it. Okay, I have to mend. Okay, let's try. If ऐसा चीज़ है कि भाई तुम्हें मर्द होना चाहिए to try this, देखते try करके देखते हैं. I'll eat थोड़ा सा खाऊंगा, मैं देखता हूँ कि कैसा है. Let's see कि कैसे क्या क्या है. ये काफ़ी अजीब लग रहा है ये दिखने में. It's 198 calories. ये एक कुछ तो कैंडी है, चॉकलेट है एंड की है. ट्राई करके देखेंगे इनको. ये छोटी सी कैंडी है, यू नो लाइक कितना ये मैंने बहुत देखी है इसमें. तो इसको भी अभी ट्राई करेंगे. ये 3 चीज़ें हैं. लेट्स गो, फुल बच्चे बनेंगे आज के दिन हम लोग. ओके तो अभी हम लोग ये चीज़ों को ट्राई करने वाले हैं. देखो ये बेस्ट पार्ट है मेरे ब्लॉग्स का, रचित भाई हर एक वो चीज़ करते हैं जो कि तुम नॉर्मल दूसरे कंट्री में बिल्कुल एम्बैरेस हो जाओगे करने के लिए. ओके क्या ट्राई करें सबसे पहले. दिस इज द बियर्डेस्ट थिंग ना. दिस इज द
ओके ये सबसे अजीब है मेरे को सबसे पहले यही ट्राई करनी है एक्चुअली देयर इज मोर आई एम सो वरीड फॉर यू नहीं भाई ओके लेट मी ईट फर्स्ट लाइक प्रूव नॉट पॉइजन ओके ओके नाइस ओके शोभी कह रही है कि पहले मैं खाती हूँ ओके एक ट्राई करते हैं शोभी बहुत ज़्यादा कह रही है कि ये बहुत अजीब है एंड वो ये भी कह रही है कि फर्स्ट मैं खा लेती हूँ जिससे देखो ये पता लग जाए कि ये पॉइजन नहीं है लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई अजीब सा दिख रहा है बहुत बट ओके इट्स नॉर्मल भाई कुछ नहीं है इसमें भाई ये मेरी मम्मी ये घर पे बनाती हैं ये एक तरीके का वो है अचार है एक तरीके का सो दिस इज लाइक अ पिकल सो आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड माय मॉम एक्चुअली मेड दिस लाइक एट होम या इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पिकल या ये तो बहुत कॉमन है भाई एक्चुअली आई एम हैप्पी ये बहुत कॉमन है क्या हाइप कर दिया था भाई शोभी ने इसको सो अभी हम लोग ट्राई करेंगे ये वाली चॉकलेट ओके लेट्स सी इसको ट्राई करते हैं इट इज यम्मी देखो बिस्किट होते हैं ना बिस्किट्स में चॉकलेट भर दिया जाए एंड थोड़ा सा वैसा कर दिया जाए ना उस टाइप का टेस्ट है इसका आई टेल यू समथिंग इट्स टीवी दे एडवर्टाइज दिस वन सो देयर्स अ वन आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट या आई नो द एडवर्टाइजमेंट सो इसका एक टीवी पे एड आता है एंड इट इज वेरी 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 वियर्ड ओके एडिटर वो क्लिप दिखा भाई तो जितना तुम इसको तोड़ सकते हो ना जितना लॉन्ग तोड़ सकते हो उतना अच्छा है ये You have a very good one. I'm telling you, he has a very good one. I'm really blessed to sit next to him. Oh, thank you, Master. Ah, 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 ah. Okay. Ooh. And then. It's long, so you're going to get a good boyfriend. And then like. And then you eat it like. But this is one of the weird advertising in TV. Let's go to the other part of Shibuya and then I want to introduce him some really kind of weird soba. Do you know soba? No. I'm gonna introduce you something. It's weird but actually it's very delicious. Okay, so, let's go. मैं लिटरली सारी बकचोदिया कर रहा हूँ भाई जापान में आके लोग ऐसे ऐसे देख के जा रहे थे हम लोग को एंड हम वहाँ पे खाना ट्राई कर रहे थे या बट मजा है यही मजे हैं इफ जापान आते हो इफ तुम्हारी सोशल एंग्जाइटी लाइक तुम्हारा इंट्रोवर्टनेस यहाँ पर भी आके तुम्हें ऐसा लगता है कि कौन क्या सोचेगा तो नहीं भाई तुम मजे नहीं कर पाओगे तुम्हें लिटरली अपना इंट्रोवर्ट जितने भी तुम वो सब निकालना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे इंट्रोवर्ट ही है तो नो वन रियली गिव्स अ लाइक व्हाट आर यू डूइंग तो जस्ट एंजॉय या इतना मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा जस्ट फ्रिकिंग एंजॉय बिकॉज लाइक तुम यहाँ पे रहने नहीं वाले हो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा 10 दिन के बाद तुम चले जाओगे Police come to you or something? Yeah. No problem. You don't have to become upset or something. Yeah, exactly. It's just like, oh, sorry, I didn't know. It's finished. अभी हम लोग जा रहे हैं कोई जगह पे खाना आना खाने के लिए. ये Shibuya Street ही है. तो मैं कैमरा चार्ज करूंगा ऑल्सो और भी चीजें आज के दिन करेंगे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. अब मजा आ रहा है. इधर एक गेम सेंटर है. इधर एक गेम सेंटर है देख के आते हैं भाई भाई मैं अपने अगर राघव को लेके आता है यहाँ पे तो वो बहुत खुश होता है तो यहाँ पर लाइक नॉर्मल गेम्स है जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है डू वांट टू ट्राई ओके इसको एक ट्राई करते हैं लेट्स सी की कैसा है ट्राई करके देखते हैं कुछ ना कुछ तो जीतेंगे हम लोग ओके तो हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं हालांकि हमने इंडिया में इसको बहुत बार ट्राई किया है बट इसमें तो इसमें ना काफी चीजें हैं मेरे को ट्राई करनी है मिल गई तो मैं अपनी बहन को दे दूंगा तो इसमें 100 yen से स्टार्ट होता है दिस रेड वन इज द या तो इसमें जाएंगे हम लोग ऐसे डालते हैं रुपए चला गया एंड अभी स्टार्ट हो गया आई गेस ओके कर दिया अभी मेरे पास 28 सेकंड्स है आई शुड गो फॉर दिस वन ना ओके आई फॉरगॉट भाई नहीं ओके 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 आई कैन गो मेरे को लगा था एक ही बार जा सकते आई
It's okay, it's okay. Let me try the this one. Yeah, you try. So अभी नीचे वाला try करेंगे. I hope for your sister. Yeah, if जीत गए ना तो मनु तेरे लिए आएगा ये. भाई इतना hard होता है ये. Go. Ah, this is the only one. Ah, oh, okay, click on. Ah, I guess. Oh! It's okay. कुछ नहीं, हमने 200 यार ऐसे ही उड़ा दिया भाई इस चीज में. ये ना पैसे कमाने का अच्छा तरीका है. इनको लेना तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा. आखिर कौन कैसे ले पाता होगा इतना बड़ी चीज को. इसको तो और भी इम्पॉसिबल है, ये तो और भी ज्यादा बड़ा है. और लेकिन ये है क्या? Some people can't play like 100 times, they cannot get it. Obviously, you it's just, very. You just better to buy it from a store. Yeah, exactly. So हम ना इस बिल्डिंग के ऊपर जा रहे हैं अभी. इस पे जाते हैं, let's see कि क्या है. अभी तुम लोग को पूरा जापान ऊपर से देखना है, इसीलिए मैं इस बिल्डिंग पे जा रहा हूँ. तुम लोग को एक एक्साइटिंग सी चीज़ बताता हूँ. तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे ना जापान में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मास्क का यूज करते हैं, मोस्टली एवरीवन. अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा ओ बिकॉज ऑफ कोविड रचित नो कोविड नहीं है, कोविड मेन रीजन नहीं है लेकिन मास्क का. मैं एयरपोर्ट पे था एंड एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे ना एक बंदे ने बोला अपना मास्क हटाओ, तो लड़की ने हटाया एंड देन वो बंदा थोड़ा सा काम करने लगा एंड उसी समय अपना मास्क ने पूरा बंद कर लिया. एंड देन जब उसने फोटो का बारी आया तो उसने मास्क हटाया एंड जैसे ही फोटो क्लिक किया उसने दोबारा मास्क लगा लिया. तो मेन रीजन ये था कि विद मास्क वो बहुत ज्यादा क्यूट सी लग रही थी, बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी. बट जब उसने मास्क हटाया तो भाई मेरे शरीर से आत्मा निकल गई भाई मेरी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रही थी. तो दैट्स द बिगेस्ट लाइक सो मोस्ट ऑफ द रीजन लाइक यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो मास्क में ना काफी अच्छे लगते हैं, लाइक तो इसीलिए वो मास्क लगाते हैं. तो अभी हम जा रहे हैं इस बिल्डिंग के ऊपर. Let's go. ऊपर मिलता हूँ. Okay. So this is the view. बिल्डिंग के इतने ऊपर से. I think ये 12th या 13th फ्लोर है. तो टोक्यो ऊपर से दोस्तों ऐसा दिखता है. वो फॉर सम रीजन मेरे को उधर साइड का जितना भी एरिया है ना न्यूयॉर्क की याद दिला रहा है. लाइक ऐसा लग रहा है अमेरिका में हो तुम. ठीक है, ऐसा है ऊपर से. इधर साइड की बिल्डिंग्स तो काफी डिफरेंट है बट उधर की इज वेरी सिमिलर टू लाइक जैसा कि दुबई में होती है एंड अदर जगह पे होती है. बट प्रिटी है भाई. हमने वहाँ पे फोटोज ली थी. ये देखो ये वाली क्रॉसिंग है ऊपर से, वहाँ से हम यहाँ पर आए हैं. अभी हम यहाँ पर थे तो इस तरीके का देखता है. उधर उधर देखो वो टोक्यो रिवेंजर्स का एड चल रहा है वहाँ पे न्यू सीजन का. ओह डैम शोपी, यू वॉच एनिमेस और एनीथिंग यू नो एनिमे? I watch like Shin-chan. Shin-chan Yosuke is my favorite anime. Okay. It's literally comedy for like kids. I used to watch Shin-chan like when I was in like थर्ड क्लास और सेकेंड क्लास. व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू वॉच शिनचैन. शिनचैन मैंने मेरे को पसंद था. शिनचैन एंड डोरेमोन मेरे दो फेवरेट कार्टून्स थे छोटे में. एंड डोरेमोन एंड शिनचैन इज द रीजन कि लाइक मेरे को जापान इतना ज्यादा लाइक फैसिनेटिंग लगता था. एंड फिर एनिमेज आए लाइक तो या सो इन इंडिया शिनचैन एंड डोरेमोन इज लाइक ह्यूजली पॉपुलर इन किड्स. सो शिनचैन एंड डोरेमोन दीज टू एनिमेज वर माई फेवरेट व्हेन आई वाज अ किड. या आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट इन इंडियन लैंग्वेज. या दे आर इन इंडियन लैंग्वेज. So it's dubbed in Indian Hindi language, so anyone can watch it. यहाँ पे लोग जाते हैं सबसे ऊपर, उससे ऊपर फ्लोर है ना उसमें. हाँ, एक फ्लोर ऊपर है एंड वहाँ पे वो 2500 येन देते हैं, लाइक करीब ऐसे समझ लो 1800 रुपए इंडियन रुपीज में. एंड ऊपर जाके जस्ट यही सीन देखने के लिए, जबकि तुम 12th फ्लोर पे आ सकते हो एंड ये सीन फ्री में देख सकते हो. दैट्स द रीजन इफ तुम किसी कंट्री में जा रहे हो तो कोई फ्रेंड के साथ जाओ, तुम्हें वो कम से कम हेल्प तब भी करेगी घूमने में. तो प्लीज हेल्पिंग मी सी नो. तो यही अच्छा होता है. अभी मैं लिखली ये चीज, अगर मैं अकेला होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं यहाँ पे ये नहीं देख पाता. ओके, तो अभी हम लोग आए हैं ताकेशिता स्ट्रीट पे एंड यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है. यू गाइस मेरा चेहरा कितना साफ दिख रहा होगा अभी. तो ये काफी प्रीटी सी स्ट्रीट है. सो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा भूख लगी है. बट मैंने कुछ फोटोज वगैरह खींचे हैं अभी एंड हम लोगों ने रील बनाई थी. तो जो मेरे को फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे उसको पता है मैंने क्या डाला है. तो गो फॉलो, ब्लॉग में देख लो, फॉलो करो जाके. ओके, तो हम इस रेस्टोरेंट पे आए हैं. सो व्हाट इज दिस? तो ये खाएंगे हम लोग ये. क्या कर क्या रो रचित भाई, तू कैसा ब्लॉगर है स्टूपिड रचित. ओके ओके, अभी हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं. तो अपने को ये चाहिए, दिस वन ना. क्या ये खा रहे हैं हम लोग एंड ग्रीन वन. ओके, तो अभी अपने को डालने हैं 1100 ये. तो यार अभी मैं खाना खाऊंगा एंड फिर हम कहीं और भी जगह पे जाएंगे. कल के और भी मेरे प्लान्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को ट्विटर पे लोगों ने रिकमेंड करी थी तो वो सारी जगह मैं देखूंगा. तो अभी तो मेरा नॉर्मल फर्स्ट डे है ऐसे ट्रैवल करने का. बट कितना प्यारा है ये जगह.
बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो ये है वो खाना जो हम खाएंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा खाना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे चॉपस्टिक्स यूज करनी नहीं आती है। अभी सोफी मेरी हेल्प कर रही थी बट चॉपस्टिक्स यूज करनी नहीं आती मेरे को। तो यार अभी मेरे को उनके पास जाके एक तो अभी मेरे को उनके पास जाके एक फॉर्क मांगनी पड़ेगी। बोलूँगा कांटे वाली चम्मच तो मेरे पे लाइक कांटे वाली चम्मच चाहिए भाई मेरे को। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ बट लिटली मेरे पे नहीं होता। ये पता नहीं कैसे खा ली है भाई ये देखो। फिर मेरे को भूख लगी है। अब मैं उनके पास जाऊँगा बोलूँगा और मुझे पता है कि मेरी बेइज्जती होने वाली है। उसको बहुत अजीब लगेगा कि मेरे को चॉपस्टिक्स यूज़ करनी नहीं आती। हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक स्पेशल जगह पे जा रहा हूँ। मतलब मैं पहुँच ही गया हूँ बिल्कुल ऑलमोस्ट यहाँ पे। मेरा कुछ प्लान नहीं था बट मैं घर पे बैठा था एंड देन मैंने सोचा यार ये जगह इतना दूर नहीं है, चला जाता हूँ। तो ये ना मिडिल ऑफ द टोक्यो में आ रहा हूँ मैं। लाइक जो टोक्यो का बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है ना, जैसे बीच का जो हिस्सा है सेंट्रल टोक्यो, तो मैं काइंड ऑफ वही एरिया में हूँ अभी। सेंट्रल टोक्यो में ही जा रहा हूँ मैं ना। कल एक मांगा स्टोर में गया था, वहाँ पर लाइक सिंचेन, डोरेमोन एंड बहुत सारी एनिमेस की मांगा थी, वन पीस की थी। बट सीन ऐसा था कि वो पूरी ना जैपनीज में थी, इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं कुछ ले लूंगा लाइक अपनी बहन के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद मांगास पढ़ता रहता हूँ। बट वो सारी की सारी ना जैपनीज में है और मेरे को जैपनीज बिल्कुल नहीं आती है। तो इंग्लिश में होती तो मैं खरीद लेता, बट फिर भी जाने से पहले ना मैं तीन चार खरीद लूंगा रखने के लिए, याद के लिए। वैसे मैं ये सारी बातें करे जा रहा हूँ लेकिन तुम लोग को ये नहीं बताया कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। देखो बात ऐसी है कि 2016 या 17 में या 2015 में, मेरे को कंफर्म याद नहीं है ये कब हुआ था, एक मूवी देखी थी मैंने जिसका नाम था योर नेम। तो वो एक लव स्टोरी थी, रोमांटिक मूवी थी, फनी भी थी एंड वो मूवी ने ना मेरे को रुला दिया था, इतनी अच्छी मूवी थी वो। तो वो एक एनिमे मूवी थी एंड उसी एनिमे मूवी के बाद ना मैंने इतने सारे एनिमेस देखना स्टार्ट किया। तो उस मूवी में ना बहुत फेमस स्टेयर्स है, ठीक है, एक सीन है स्टेयर्स का वो बहुत फेमस है। तो आज के दिन मैं वही स्टेयर्स पे जा रहा हूँ जो उस मूवी में थी, क्योंकि वो मेरे को ना इन रियल लाइफ में एक बार देखनी थी। मुझे ना एक चीज काफी अच्छी लगती है जैपनीज लोगों की कि जो भी अपनी मूवीज वगैरह जितनी भी चीजें बनाते हैं ना उसमें ये रियल लाइफ लोकेशंस को ही डालते हैं, जो असली लोकेशंस होती है ना इनके सिटी की वही डालते हैं। फॉर एग्जांपल कल के दिन मैं जाने वाला हूँ साइतामा में। तो साइतामा के थोड़े आगे ना एक जगह है जहाँ पे सिंचेन का टाउन है, ठीक है, वो पूरा विलेज सिंचेन का है। तो सिंचेन शो में हम जो पूरा एरिया देखते हैं, जो पूरी सिटी देखते हैं ना, वो उसी जगह पर है। तो वो रियल लाइफ लोकेशन पे ही बनाई गई है। तो मैं कल वहां पे जाऊंगा, चेक करूंगा वो, क्योंकि सिंचेन सबको पसंद है और मेरे को बस वो एक बार रियल लाइफ में देखना है। वहां पर ना सिंचेन का एक बहुत बड़ा सा वो भी है, म्यूजियम टाइप का भी है, तो वो हम देखेंगे। अभी मैं ये लोकेशन ढूंढ लेता हूँ, बस मैं बात करे जा रहा हूँ। तो मोबाइल में चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ पे है। आई थिंक मैं पहुंच गया हूँ। ये रहा सुगा श्राइन एंड उस जगह का नाम आई थिंक सुगा श्राइन ही है। तो इधर साइड है वो कहीं पे। ये पूरा ना रेसिडेंटल एरिया है, मतलब यहाँ पे ना लोग रहते हैं। जस्ट एक एनिमे की वजह से ना वो स्टेयर्स इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि कोई भी अगर यहाँ पे टोक्यो में घूमने आते हैं ना तो एक ना एक बार वो स्टेयर्स पे तो जरूर जाता है अगर उसने वो एनिमे देखा है। तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है जस्ट वो योर नेम की वजह से। भाई क्या सेक्सी कार है यार ये, अभी हर किसी के पास। डैम भाई ये थोड़ा महंगा वाला ही। हर किसी के पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ओके पहुँच गया हूँ भाई मैं इस जगह पे। तो ये है वो स्टेयर्स, तो देख सकते हो ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर लोग ना वीडियोस भी बनाते हैं लाइक। तो यार अगर किसी ने वो एनिमे देखा है योर नेम तो उनको समझ जाएगा लाइक। तुम देखोगे इतना कुछ खास नहीं है लेकिन जस्ट एक एनिमे की वजह से ये इतना पॉपुलर हो गया है यह जगह। तो ये काफी अच्छा लगता है। नॉर्मल स्टेयर्स हैं, काफी नीचे तक जाती हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी एरिया है, ऊपर तक लोग जाते हैं। लुक्स गुड, अच्छी लग रही है, सेम वैसी ही लग रही है जैसे एनिमे में है। मैं कुछ फोटोज वोटोज खींचूंगा यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा है इसको इन रियल लाइफ में देख के, क्योंकि मैंने इसको एनिमे में देख रखा था एंड ये मेरी लिस्ट पे नहीं थी लाइक आने के लिए। लेकिन फिर मेरे को याद आया यार मैं जा रहा हूँ एक बार इसको देख लेता हूँ इन रियल लाइफ। तो यार इट लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत। सेकेंड के लिए मैं एक्चुअली डर गया था उसको देख के। भाई किसी ने तो ना अपने घर के पास ना एक टेडी बियर रख रखा था एंड डूड आई जस्ट गॉट इट स्टार्टेड, मतलब क्या है भाई वो। फिर मैंने रिकॉर्ड किया भाई। हाँ कुछ इस तरीके का दिखता है ये अंदर से, इट लुक्स गुड। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रे किया जाता है लाइक इस बे में नॉर्मली हाथ जोड़े जाते हैं एंड देन बाव किया जाता है, हाथ जोड़ के बाव। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हाथ जोड़ो एंड देन बाव। ये रहा वो एनमे वाला, ये देखो एनमे में कुछ इस तरीके का दिखता था ये जगह। यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं ना मोस्टली सब इसी के लिए आते हैं। देखो कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग बना के जा रहे हैं। ये देख के ना अच्छा लगता है, कुछ भी हो बस ये चीज़ देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है।
ये सारी चीजें। मेरे को ना अभी यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, ठीक है, बट इशू ये है कि मैं अभी घर पे जाके ना खुद इंडियन फूड बनाने वाला हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, मेरा मन तो कर रहा है खाने का बट मेरे को पेट खाली भी रखना है क्योंकि रात में हम खाना बनाकर खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने इतने दिन से यहाँ पे इंडियन फूड खाया नहीं है। तो आज के दिन मैंने प्लान बनाया था कि मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे रहती है इंडियन, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम इंडियन फूड बनाएंगे घर पर, क्योंकि मेरे को रस्ते में कोई इंडियन रेस्टोरेंट इतने मिल नहीं रहे थे। बट अभी मैं इधर आया था ना घूमने के लिए, तो इधर मेरे को एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। जब मैं ढूंढ नहीं रहा था तब मिल गया, और जब मैं ढूंढ रहा था तब इतने मिल नहीं रहे थे। तो यार लाइक काफी बुरा लग रहा है अभी मेरे को, बट हाँ घर पे बना के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी ना मैं एक स्टोर पे गया था एंड वहाँ पे मेरे को ये मिला है, ये है डोरा केक, ठीक है, एंड ये एक्चुअल वाला डोरा केक है जो आता है ना वो। तो जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा यार इसको मेरे को ट्राई तो करना है खाके, तो मैंने खरीद लिया। ये मेरे को 150 रुपए का मिला है। दिस इज डोरा केक। अंदर से कुछ तो चॉकलेट चॉकलेट है इसके अंदर काफी। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। मैं इसको रेट करूंगा कि डोरेमोन को इतना ज्यादा पसंद है कि ये एक्चुअली में इतना अच्छा है कि नहीं। ओके, 1 2 3। दिस इज गुड। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि डोरेमोन इसके लिए क्यों मरता था इतना, क्योंकि इसका टेस्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा है। ये है टोक्यो का स्काई ट्री, ठीक है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है यहाँ की। एंड अभी मैं यहीं पे घूमने आया हूँ, ये काफी ज्यादा सुंदर है एंड काफी ऊंची है। एंड आई थिंक इसके सबसे ऊपर जाने का भी कोई ना कोई रास्ता होगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसका रास्ता किधर से है। बट यार स्काई ट्री लगता तो काफी सुंदर है, जस्ट लाइक दुबई का जो बुर्ज खलीफा है ना वैसा ही है ये। कैन यू बिलीव हम लोग ना धरती के ऊपर है, ये एक बिल्डिंग के ऊपर घास है, हम नीचे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर बहुत नीचे है। रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो इफ यू सी तो ग्राउंड काफी नीचे है, हम एक बिल्डिंग के ऊपर है। ये है टोक्यो का स्काई ट्री। बट या ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है पूरे टोक्यो की। उधर से उसका मेन एंट्रेंस है एंड ये पूरा काइंड ऑफ कैफे एरिया है। एंड आई थिंक सो कि हम लोग ऊपर जा सकते हैं। इफ ऊपर जा सकते हैं तो मैं जाऊंगा। उधर साइड लोग स्केट बोर्डिंग भी कर रहे हैं। एक चीज है यार, जापान में काफी फन एक्टिविटीज हैं, ये चीज मैंने नोटिस करी है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना कोई गेम होगा खेलने के लिए या कुछ ना कुछ फन एक्टिविटी जरूर होगी। ये सबसे स्पेशल चीज लगी है मेरे को पूरे टोक्यो की। सो यार ये है भाई यहाँ की टिकट्स। तो यहाँ पे एक तुम यहाँ पर जा सकते हो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, और एक 350 से ये 350 फ्लोर पे, एक 450 फ्लोर पे। तो टिकट्स ऐसी हैं लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जस्ट टिकट का, क्योंकि सबसे ऊपर जाके तुम्हें सिर्फ और सिर्फ व्यू देखने के लिए मिलता है। बट फिर ये भी है कि तुम हर दिन टोक्यो नहीं आते हो, इफ तुम एक ट्रेवलर हो एक फॉरिनर हो तो एक ना एक बार तो इस बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहिए। तो यार मैं यहाँ पर अभी अपने पैसे बर्बाद करने वाला हूँ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। आई थिंक हमें टिकट दिखानी पड़ती है। यहाँ पर टिकट पड़ी है मेरे को 3400 येन की, क्योंकि आज के दिन है संडे एंड संडे को टिकट्स और महंगी हैं यहाँ पर। तो अभी मेरे को इस लिफ्ट का वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग हैं फ्लोर 350 पे। डैम, लुक एट दिस, वेट। टोक्यो ऐसा है। माय गॉड, दिस लुक सो ब्यूटीफुल भाई। हम लिटरली अभी तो हम पूरे ऊपर गए भी नहीं है। ये है फ्लोर 350 बट अपन और भी ऊपर जा सकते हैं। तो मैंने दोनों टिकट ले रखी हैं जिससे हम सबसे ऊपर जा सकते हैं ना, जितना उतना ऊपर जाएंगे भाई। बहुत सुंदर लग रहा है। देखो टिकट महंगी थी बट वर्थ इट थी। ये देखो छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स। दुनिया का सबसे बेस्ट नज़ारा देखा है मैंने जितना टाइम भी मैं घूमा हूँ ना कहीं पर भी। इफ तुम लोग कभी भी आओ तो यहाँ पर आना तो बहुत ही कंपलसरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये एरिया। अभी हम लोग 450 वाले ऊपर जाएंगे। ये देखो भाई टोक्यो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। वैसे लगता है कि ये बहुत छोटी सी सिटी है बट ये काफ़ी बड़ी सिटी है। अभी हम जा रहे हैं इससे ऊपर वाले फ्लोर पे। ओ भाई हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। चक्कर आ रहे मेरे को। सबसे ऊपर आ गए भाई हम। ये है जापान की सबसे ऊंची बिल्डिंग भाई। काइंड ऑफ वैसा ही है बट यहाँ से और भी ऊंचा दिख रहा है। ये है, यहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ भी है क्योंकि यहाँ के टिकट थोड़ी सी महंगी थी। बट ये देखो तुम यहाँ से देख रहे हो ना, एक पूरा सा सर्कल है। मैं अभी ऊंचाई पे चल रहा हूँ। यहाँ से पूरा जापान देख सकते हो इतना ऊंचाई से, मतलब पूरा का पूरा टोक्यो। मैं टोक्यो को जापान क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये आना देखना ना तुम्हारे लिए बहुत कंपलसरी है। तुम कभी भी आओ तो ये जरूर से देखना। सॉरी, तो मैं जस्ट अभी
उतने ऊपर से जस्ट नीचे आ रहा हूँ। गॉड डैम भाई, ऊपर से काफी ज्यादा सुंदर था, मजा आ गया भाई। लाइक एक्सपीरियंस कर लिया मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि ये अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर से ना पूरी ये देख पा रहा था हर एक चीज। मेरे को ना एक और चीज जस्ट पता लगी है कि शुभ भी ना बहुत क्लोज है, तो बीच बॉय शुभ भी टोक्यो आया है। एंड द थिंग इज दैट कि मैं 25 को जाने वाला हूँ एंड शुभ भाई अभी आए हैं। इफ मेरे को पहले से पता होता तो मैं कुछ वीडियोस प्लान कर लेता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी आ रहे हैं। तो यस, लेकिन हम लोग प्लान करेंगे, इफ मैं उनसे मिला तो हम कुछ ना कुछ एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। कुछ तो बहुत क्रेजी वीडियो बनाएंगे, आइडिया मैं कुछ सोचूंगा जहाँ पे बहुत सी होलसम का कॉल है बन जाएगा जापान में। मैं एंड शुभ, लेट्स गो। सो अभी मैं आ गया हूँ टोक्यो के सेंटर पे एंड मैं मिलने वाला हूँ दीपाली को। दीपाली वही लड़की है जो मेरे को एयरपोर्ट में मिली थी जब मैं जापान में आ रहा था। वो इंडियन है एंड वो टोक्यो में ही काम करती है, उसकी फैमिली भी टोक्यो में ही रहती है। सो यार आज के दिन वो मेरे को घुमाएगी टोक्यो, तो अभी मैं उससे मिलने जा रहा हूँ बाहर। मतलब देखो ऐसा सीन है, कुछ भी हो तुम सबसे ज्यादा वाइब सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से करते हो, तो अभी मैं उसको मिलूंगा एंड मैं बहुत वाइब कर पाऊंगा क्योंकि मैं किसी इंडियन की वाइब मिस कर रहा हूँ भाई। मेरे को कोई इंडियन चाहिए ये मेरे साथ, जिससे मैं और भी ज्यादा मजे कर पाऊँ। अभी मेरे को इंडिया थोड़ा थोड़ा सा ना मिस होने लगा है, वहाँ के लोग ना थोड़ा थोड़ा मिस हो रहे हैं इसीलिए। तो वो गेट नंबर 2 पे आएगी अभी, तो हम लोग यहीं पे मिलेंगे एंड बाद में कुछ और भी जगह जाएंगे क्योंकि वो टोक्यो में रहती है पिछले 3-4 साल से, उसको और भी जगह पता होगी। लेट्स सी, मिलते हैं उससे। आई थिंक वो बाहर ही इंतजार कर रही है, उसने मेरे को जस्ट अभी कॉल किया कि मैं कहाँ पे हूँ। लेट्स सी, उसने मेरे को यही गेट नंबर बताया था। एक तो मैं नया हूँ भाई, मेरे को बता भी नहीं है। हेलो, हाय, हेलो, हाय, आई एम गुड, रचित, हाय, 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 मैं ये लेके आया तुम लोग के लिए। अरे इसकी जरूरत नहीं थी यार, अरे मेरे को ये रास्ते में मिला मैं यार। ओके भाई, लेट्स गो। हाँ मैं नॉर्मली ब्लॉग कर रहा था इसलिए मैं सोचा ऐड कर लूँगा, लाइक मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँगा उसमें आई थॉट कि कुछ ना कुछ तो ऐड कर लूँगा। सो मैं अभी घर पे आ गया हूँ दिवाली के एंड भाई इतने दिनों के बाद मैं फाइनली कुछ इंडियन खाना खाऊंगा। अंकल ने, आंटी ने, पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है भाई मेरे को। एक लिट्टी मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इतने दिन से मैं ऐसे वो रामेन वगैरह खा रहा हूँ जो कि अच्छा है, बट भाई मेरे को मैं मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा इंडियन फूड को। यस मैं अभी ये खाने वाला हूँ, थैंक यू सो मच। वेल मैं जस्ट अभी दीपाली के घर से आया। माई गॉड ब्रो, भाई मैंने क्या अच्छा इंडियन फूड खाया एंड उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्वीट थी। यही है लाइक देखो, अगर तुम किसी बाहर कंट्री में जाते हो तो एंड इफ तुम्हें कोई मिल जाता है तुम्हारे देश का एंड फिर उसकी फैमिली तुम्हें खाने पर इन्वाइट कर दिया अच्छा लगता है। तो मेरे को काफी अच्छी वाइब आई, उसकी फैमिली काफी अच्छी थी। उसके डैड एंड मेरे डैड काफी सिमिलर थे क्योंकि दोनों लोग ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो मैं काफी अच्छा वाला वाइब कर गया। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे एंड इफ दीपाली एंड उसकी फैमिली ये वीडियो देख रही है तो थैंक यू सो मच। वो खाना बहुत अच्छा लगा एंड मेरे को काफी अच्छा भी लगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल घर वाली वाइब आई थी वहाँ पे। तो यार थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो वेल आज के दिन मैं हूँ टोक्यो के चियोदा सिटी में। वैसे यहाँ पर मैं एक स्पेशल रीजन की वजह से आया हूँ। सो मेरा यहाँ पे आने का रीजन ये है कि यहाँ पर ना दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन सेंटर है एंड बचपन में मेरे को पोकेमोन बहुत ज्यादा पसंद था एंड मैं अभी भी देखता हूँ एंड मेरे को पोकेमोन के गेम्स भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब मैं जापान आ रहा था तो मैंने सोच रखा था कि यहाँ पर आने के बाद ना मेरे को वो पोकेमोन के सेंटर में जरूर जाना है क्योंकि उसके अंदर काफी स्पेशल स्पेशल चीजें हैं। तो बस आज हम उसी को देखने आए हैं यहाँ पर एंड आई थिंक हम आ चुके हैं। वो ये रहा पोकेमोन सेंटर, वही मैं कहूँगा आई थिंक दिस, ये रहा पोकेमोन सेंटर, ये इसका एंट्रेंस है यहाँ से। कितना प्यारा लग रहा है भाई ये। सो यस इसके अंदर जाना है हमें। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन के ऊपर है। लेट्स गो, अंदर चलते हैं। लेट्स सी, सीधा सीधा रिएक्शन देखते हैं कि कैसा होगा। आई एम सो एक्साइटेड। लेट्स सी कैसा है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बड़ा है ये सेंटर, बट मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ फोटोज में देखा है, वीडियोस भी मैंने इतनी नहीं देखी है इसकी। अभी मेरे को इन रियल लाइफ देखना है अपनी आंखों से। मैं एक्चुअली उधर सोच रहा था उधर साइड गेट खुलेगा बट इधर साइड खुला। लॉल ये है, लुक एट दिस, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर साइड और बहुत सारी ग्राफिटीज बनी है पोकेमोन की
सारे के सारे पोकेमोन के कैरेक्टर्स। भाई पिकाचू तो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे पोकेमोन गेम्स की सीरीज एंड उसके गेम प्लेस लगे हैं। पोकेमोन गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत टाइम से लोग खेलते हैं। मेरे को पोकेमोन एक्स एंड वाई एंड बहुत सारे गेम्स बहुत पसंद है। मेरे को दोबारा कोई तो सीरीज स्टार्ट करनी है अपने चैनल पे जिसमें मैं पोकेमोन गेम्स खेलूँ। सोच रहा हूँ मैं किसकी करूँ। बस इधर साइड से हम लोग पोकेमोन के कार्ड्स भी ले सकते हैं। इधर साइड बहुत सारे क्यूट क्यूट ये हैं छोटे छोटे से पोकेमोन के, लाइक बहुत सारी मर्च है यहाँ से जो तुम खरीद सकते हो। ये 5,500 येन का है, मतलब करीब करीब 3,000 रुपये इंडिया में। ये की चेन्स भी है भाई, ये तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार, इनको ले सकते हैं। ओ एक है 198, मतलब 200 रुपये का एक है, ये तो बहुत सस्ता है, ये तो ले सकते हैं। इसको ये अच्छा भी लगेगा, बहुत ही एस्थेटिक लगता है ये। ये पूरा शॉपिंग एरिया है, यहाँ से तुम शॉपिंग कर सकते हो। सो वेल, एक छोटा सा अपडेट, अभी मैं जिस सेंटर में गया था वो टोक्यो में लाइक वो पोकेमोन का सेंटर था जहाँ पर मोस्टली तुम चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे स्टफ टॉयज रखे थे एंड उसके गेम्स की सीडीज रखी थी। बट जहाँ भी मैं जाना चाहता था वो था पोकेमोन का एक म्यूजियम जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जहाँ पे पोकेमोन इन रियल लाइफ में रखे हुए हैं। तो मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं आ गया था पोकेमोन सेंटर पे एंड अब मेरे को पता लगता है कि जो वो म्यूजियम है ना वो दूसरी जगह है, तो अब मैं उस दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। बट फिर भी मेरा यहाँ पे आना ना बर्बाद नहीं हुआ, यहाँ से मैंने कुछ चीजें भी ले ली हैं अपने घर के लिए, अपने भाई बहन के लिए। तो एक तरीके से यहाँ पे आना बर्बाद नहीं हुआ। हम आ चुके हैं अपनी मेट्रो पे, यहाँ से मेरे को मेट्रो पकड़नी है, और उससे पहले मेरा कुछ पीने का मन हो रहा है तो मैं यहाँ से कुछ पीने के लिए लूंगा। ये फ्रूट मिक्स का जूस लग रहा है मेरे को, इसको ऑर्डर करता हूँ। इस पर क्लिक कर दो एंड उसके बाद अपना कार्ड यहाँ पे टैप करो, अपने आप नीचे आ जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा एंड बस निकाल लो। लेट्स इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है, अप्रूव्ड। सो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपनी मेन लोकेशन पे। यहां से कुछ 200-300 मीटर दूर है वो सेंटर, अब मेरे को उसी की तरफ जाना है। अभी लेट्स सी यहां का पोकेमोन वाला म्यूजियम कैसा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। वेल आई थिंक ये वाली लोकेशन है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लोगोस बने हुए हैं। काफी जल्दी मिल गया हम लोग को। ओके, इसका नाम है पोकेमोन गोलेम। वेल यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, कुछ स्ट्रिक्ट फिगर बने हुए हैं रियल लाइफ इतने बड़े, काफ़ी बड़े बड़े। ये देखो यहाँ पर लोग अपने पोकेमोन कार्ड्स को लेके आते हैं एंड देन एक दूसरे से ना कंप्लीट करते हैं। अभी मेरे को एग्जैक्टली समझ में आया यहाँ पे क्या होता है। तो इस लैब में ना जिन लोगों के पास जो पोकेमोन कार्ड्स है ना वो ये लेके आते हैं एंड फिर ना ये उस जगह पे बैठते हैं सारे लोग एंड देन एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ते हैं। तो वो बैट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर पैसे भी कमा सकते हैं। इधर ये पोकेमोन स्वीट्स की दुकान है जहाँ पर लाइक सारे के सारे स्वीट्स सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन रिलेटेड है। भाई जापान बिल्कुल अलग दुनिया है, ये दूसरी दुनिया से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें होती है। लाइक ये पूरा का पूरा कैफे जो है ना सिर्फ और सिर्फ पिकाचू के ऊपर है, उसमें सारी की सारी खाने वाली चीजें ना सिर्फ पिकाचू की है। इधर साइड एक सिंचेन का भी स्टोर है बाय द वे, तो ये ऑफिशियल सिंचेन का स्टोर है एंड जस्ट लाइक पोकेमोन इसके अंदर भी ना सारी की सारी सिंचेन रिलेटेड चीजें होंगी। डैम ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये ये देखो ये सिंचेन की एक और मूर्ति रही, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है ये देखो। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सिंचेन से रिलेटेड जो तुम खरीद सकते हो। ये सारे के सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि सिंचेन के किसी न किसी एपिसोड में एंड मूवीज में आए हैं। यहाँ से तुम मर्च भी ले सकते हो कपड़ों में। यार ये कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले। ओ डैम दिस साइड बहुत बड़ा पोकेमोन का एक और सेंटर है एंड इसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है यार। इस पूरे एरिया में ना सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन एंड सिंचेन एंड कुछ अलग एनिमे रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पर ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ ही लगी है। पोकेमोन कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है भाई इधर। यहाँ पर भी तुम नॉर्मल अपनी चीज़ें खरीद सकते हो बट इसके अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी लाइन है। इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग को अंदर जाने के लिए रुकना पड़ता है। ये टोक्यो का सबसे बड़ा पोकेमोन सेंटर है, यहाँ से पूरा चक्कर मार के वो लोग जाएंगे भाई। इनको 2-3 घंटे लग जाएंगे अंदर जाने में ही। वेल यहाँ पर मेरे को ये और एक स्पेशल चीज मिली है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैप्सूल टॉय स्टोर। मुझे पता नहीं है कि कैप्सूल टॉय स्टोर क्या होती है, तो लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं। ओह बहुत छोटे छोटे से टॉयज है यहाँ पर। हाँ ओके समझ गया, ये पूरे के पूरे स्टोर में ना बहुत छोटे छोटे वाले टॉयज हैं। ये देखो डैम कितने प्यारे लग रहे हैं ये। यहाँ पे स्टिक फिगर्स हैं बट काफ़ी छोटे छोटे, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। ओ भाई ये मशीन्स हर जगह पे दिख जाती है मेरे को। वैसे पैसे डाल के ना इनमें से मैं कुछ ना कुछ जीत सकता हूँ। इसमें पैसे डालो एंड देन इसको घुमाओ
फिर इधर से ये नीचे आएगा एंड जीतोगे। अभी मेरे को समझ में आया कि आखिर कैप्सूल टॉयज क्या होते हैं। सो जो टॉयज ना लाइक वो उसके अंदर गोले के अंदर बंद होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैप्सूल टॉयज। एंड ये पीछे जो दुकान थी ना वो पूरी इसी चीज के बारे में थी। यहाँ पे तुम कैश डाल के ना एंड उससे ना तुम कैप्सूल टॉय को जीतोगे। खरीद भी सकते हो बट मोस्टली सारे गेम्स हैं इसमें खेलने के लिए। कितना फन है ना, अगर तुम सोचो कितना फन है भाई ये चीज। अपने फ्रेंड के साथ आकर तुम भाई इसको खेल सकते हो एंड अलग अलग टॉयज जीत सकते हो। ये घुमाने वाला तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। सो मैं आ गया हूँ मॉल के बाहर। मैंने मॉल से ये सूज ले लिए, तो पोकेमोन सेंटर भी मैंने पूरा देख लिया। बात ऐसी है कि यहाँ पर ना जब मैं आया तब मेरे को पता लगा कि जो म्यूजियम सेंटर होता है ना वो जिसमें बहुत सारी और भी चीजें लगाई जाती हैं, वो जब काइंड ऑफ एक फेस्टिवल होता है उसकी एक टाइमिंग होती है, ठीक है, वो उसी टाइम पे कुछ दिनों के लिए लगाया जाता है। तो वो टाइम निकल चुका है, वो कुछ महीने पहले था, तो दैट्स द रीजन वो मैंने नहीं देख पाया। बट हम लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन सेंटर देख लिया है एंड ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर था। एंड मैंने ये कुछ जूते भी खरीद लिए भाई वहां से। मैंने यहाँ पे आके ना बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, मैं बहुत खर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी मेरे को दिखता है ना बस मैं खरीद लेता हूँ। बट हाँ, ये जूते मेरे को काफी पसंद आए, लाइक इतने महंगे भी नहीं थे, काफी अच्छी थी। तो मैंने कहा क्यों ना खरीद लेता हूँ मैं इनको, बस इनको इंडिया ले जाने में दिक्कत होगी क्योंकि मेरा पूरा बैग भर चुका है। वैसे पता टाइम इतना नहीं हुआ है बट यहाँ पर ना रात बहुत जल्दी हो जाती है। अभी सिर्फ 5:30 बजे है एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि रात के ना 8-9 बज गए हो। तो यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी जाता है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, काफी जल्दी रात हो जाती है एंड इसीलिए ना यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। लाइक 8-9 बजे के करीब ना मोस्टली लोग सो चुके होते हैं यहाँ पर। बो रहा मेरा मेट्रो, तो मैं जल्दी से जाता हूँ अपने घर पर। तो आज के दिन है ये मेरा लास्ट डे इन टोक्यो एंड ये आखिरी दिन पे मैं एक स्पेशल जगह पे आया हूँ। तो ये प्लेस मेरे को इंस्टाग्राम पे काफी लोगों ने बोला था देखने के लिए एंड ये थोड़ा टोक्यो से दूर था बट काफी सुंदर जगह है ये। तो इसका नाम है टीम लैब प्लैनेट्स एंड कुछ कांच का पूरा एरिया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लाइक लाइफ में एक बार उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, मेरे को ऐसा बोला गया। तो बस मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ अभी। मेरे को ना 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा एंड जब मैं 1 किलोमीटर वॉक करूंगा तब वहां पे पहुंच पाऊंगा। तो यार लेट्स गो। तो मैं रास्ते में ही जा रहा था एंड मेरे को ये एक छोटा सा ग्राउंड दिखा एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये इसका पूरा सा एरिया है। यहाँ पे सबसे स्पेशल ये वाले पेड़ है, ठीक है, ये चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ है। ये चेरी ब्लॉसम में ना ये सब यहाँ पे जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना ये वाला, ये सब सेम इसी कलर के हो जाते हैं एंड फिर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इनका सीजन आने वाला है एंड मैंने जापान में फर्स्ट टाइम इनको देखा है। रियल लाइफ में ये पेड़ मैंने सबसे पहली बार देखा है। बहुत सुंदर सुंदर से इस पे ये होते हैं, लाइक बहुत सुंदर लगता है ये पेड़। अभी तो इस पे ये पूरे तरीके से आई भी नहीं है क्योंकि अभी इनका सीजन नहीं आया है। मार्च लाइक अप्रैल के साइड ये बहुत अच्छा हो जाता है। फिर तुम्हें ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जितने भी पेड़, ये सब एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे पिंक कलर में। सुंदर तो है भाई, लाइक कहीं पर भी मैं रस्ते में जाता हूँ ना कोई चीज अच्छी मिल ही जाती है। लाइक तो यही है, यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें, मैंने ब्लॉग्स में बहुत सारी चीजें डाली हैं इसीलिए। और इधर ये भी एक एरिया है, यहाँ पे ना वॉक करने में कितना मजा आएगा, पूरा पानी पानी है इधर। मैं बस चले जा रहा हूँ। पता नहीं कितना ज्यादा चलना पड़ेगा भाई मेरे को, अभी 400 मीटर और चलना है फिर मैं पहुँच पाऊंगा वो जगह पे। फाइनली दिख गया टीम लैब्स प्लैनेट टोक्यो, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। दिख गया फाइनली। ओह लेट्स सी अंदर से कैसा है भाई, बहुत अग्रे जा रहे हैं यहाँ से। पॉपुलर तो है ये जगह काफी, काफी लोगों ने मेरे को बोला था कमेंट्स में कि यहाँ पर मेरे को जाना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। दिस प्लेस भाई क्या भीड़ लगी है यहाँ पर, यहाँ पे तो पागलों की तरह भीड़ लगी है भाई। टाइम लगने वाला है भाई यहाँ पर, एक्चुअली में काफी ज्यादा भीड़ है भाई। 3,200 yen की टिकट है, ये बहुत महंगी है यार, यहाँ से लेनी पड़ेगी हमें टिकट। गंदा वाला खर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। ये रही टिकट भाई, मैं सही बता रहा हूँ मैं कंगाल होने वाला हूँ। मैंने 230 की टिकट ली है, मतलब इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था टिकट लेना, बस कैश डालो टिकट अपनी चूज करो एंड तुम सीधी ले सकते हो ये। लेट्स सी, 3,200 yen दिए हैं, आई होप अच्छा हुआ। टिकट उड़ रही थी भाई मेरी। भाई ये बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, ये देखो ये रहा मैं, ये बार बार अपना कलर चेंज कर रहा है। अभी देखो अलग कलर हो गया पूरा का पूरा, अभी दोबारा से कलर आएगा ना। ओह क्या हुआ भाई, ये वाली जगह बहुत ज्यादा सुंदर है दिखने में। बस समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एंडिंग कहाँ से हो रही है। दिस इज सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल भाई, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट आर्ट वर्क। नीचे इधर साइड पानी है, पूरा पानी का एरिया है, कितना सुंदर लग रहा है ये भाई। अब तो ये और सुंदर हो गया, ये देखो अब तो इसको और सुंदर कर दिया भाई उन्होंने। ओ माय गॉड,
दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई, बहुत ज्यादा सुंदर है, इन रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट आर्ट वर्क की तरफ जा रहे हैं दोस्तों अब हम। ये वाला तो मुझे कितना मजा दिला दिया भाई, अभी सब अच्छी अच्छी आर्ट वर्क आ रही है। ये रियल है, मेरे को लगा कि वैसा है। मैं बच्चा बन गया हूँ भाई यहाँ पे आके, क्योंकि सब इतना ज्यादा सुंदर है ना। अलग अलग आर्ट वर्क्स हैं भाई, ये मैंने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर ना ये सारे लोग लेटे हुए हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी लेट जाता हूँ, लेट गया। ऊपर बहुत अच्छा सीन चल रहा है, रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ऊपर ये सीन चल रहा है, जब मैं लेटा हूँ ना तो मुझे ऊपर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर ये सुंदर नहीं है तो क्या हो सकता है सुंदर। ओ ओ अभी और बड़ी बड़ी आ रही है ये फूल। ओ डैम काफी सुंदर था। लेकिन नेक्स्ट आर्टवर्क की तरफ बढ़ते हुए हम, अभी तक जो मैंने देखा था वो था वाटर एरिया, नाउ इट्स टाइम फॉर गार्डन एरिया। ओके स्लीपर्स पहननी पड़ेंगी, इसके लिए मेरे पैर बहुत ठंडे हैं। पहन लिए है हमने चप्पल एंड अभी चलते हैं गार्डन एरिया में। डैम कितना सुंदर है यार ये ये एलियन जैसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं किसी एलियन वाली जगह पे आ गया हूँ। सुंदर तो लग रहा है ये पूरा का पूरा एरिया, काफी काफी लाइक एलियन वाली वाइब्स दे रहा है। जैसे स्पेस, ओ ये हिला भी सकते हैं भाई, देखिए आपको भारी नहीं है इतने, काफी नॉर्मल से है, सुंदर है भाई। हम जा रहे हैं गार्डन एरिया की नेक्स्ट आर्टवर्क पे। भाई सारी की सारी आर्टवर्क्स बहुत सुंदर है भाई इनकी, इसके अंदर बट लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पर पहले, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक काफी लोग हैं, लिमिटेड लोग जा सकते हैं। फाइनली हमें अंदर जाने का मौका मिल गया। इधर साइड आई थिंक है गार्डन जो इनका सबसे मोस्ट पॉपुलर। अभी हम जाने वाले हैं इनके मोस्ट पॉपुलर एरिया में, जिसकी वजह से ये पूरा जगह पॉपुलर है। गार्डन है बहुत सुंदर, ये एरिया कितना सुंदर लग रहा है ये देखो। अभी हम इसके अंदर जा रही है, पूरा का पूरा गार्डन है। दिस इज सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल भाई। दोबारा से क्यों लग गया भाई, बहुत सारे लोग अंदर बैठे हैं, वो बाहर ही निकल रहे, तो मेरे को अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक ये क्यों खत्म नहीं होता है। ओके फाइनली हम अंदर जा सकते हैं, लेट्स गो। ओह भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एक जंगल में आ गया हूँ। ये देखो पेड़ पौधे हैं, सब कुछ ठीक है, और मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है मैं एक जंगल में, और ये सब रियल है, ये टंगा हुआ है ऊपर से। वेट एट देखो नीचे से जा रहा है, ये देखो मैं ऐसे ऐसे होते हुए जा रहा हूँ। मैं लिटरली काफी देर से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एंड आई एम नॉट लाइंग, ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा लाइक वैसा है, लाइक तुम्हें बहुत पीस महसूस होता है, तुम सारी चीजें भूल जाओ, यहाँ पे बैठे रहो, एंजॉय करते रहो। क्योंकि तुम देख सकते हो ना यहाँ पर बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर बना रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं, एंड ऊपर से बहुत ही सुंदर म्यूजिक चल रहा है, उसकी वजह से आई फ्रिकिंग लव कि मैं यहाँ पर आया। थोड़ा सा महंगा था बट वर्थ इट था, यू नो वर्थ इट था, काफी वर्थ इट था। हाँ प्रिटी भाई, सो प्रिटी। सो मैं जस्ट अभी ये गार्डन से निकल के आया, इट वॉज सो फ्रिकिंग प्रिटी। एक नहीं बहुत सारी चीजें थी, सारी चीजें मैं कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिखा पाया क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा था, एंड वो सारी चीजें तुम इन रियल लाइफ जब एक्सपीरियंस करोगे तो ज्यादा अच्छी लगती है। बट या इफ तुम कभी भी टोक्यो आते हो, इट्स अ मस्ट विजिट, ये जगह काफी अच्छी है। मतलब देखो इसमें कुछ जापान एंड टोक्यो रिलेटेड नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सपीरियंस तुम्हें करनी ही चाहिए। इसमें बस वो नेचर की कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी ना जिससे इसको बहुत स्पेशल बना दिया था इन लोगों ने, काफी आया। मैं कम से कम 3 घंटे उसके अंदर था एंड सही था। So yeah, that's it for the Japan story, the Japan blog. काफी बड़ा blog था and काफी बड़ी video थी, but I hope तुम लोग को ये video पसंद आई हो। If तुम लोग को ये video पसंद आई है तो इस video को like और channel को subscribe करना मत भूला। Follow my Instagram if तुम लोग को Japan की photos देखना चाहते हो, Tokyo की। I'll see you in the next one, तब तक के लिए bye bye.